यहाँ रेनी और विंटर सीजन में ठंडे पानी से नहाना हो जाता है बहुत ही मुश्किल, और इसके लिए हर जगह गीजर इंस्टॉल करना होता है काफी डिफिकल्ट और इवन भाई एक्सपेंसिव भी। तो टॉप रेटिंग्स और ग्रेट रिव्यूज के बेसिस पे मैंने ऑर्डर करी है इंडिया की ये 5 टॉप सेलिंग इमर्शन रॉड, और इनमें से भी बेस्ट ढूंढने के लिए मैं टेस्ट करने वाला हूँ सभी को रियल टाइम, जैसे कि इन सभी की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी, हीटिंग स्पीड और इनका शॉक टेस्ट भी। और ये ब्रांड्स हैं हैवेल्स, ज़ेला, बजाज, क्रॉम्पटन, हैवेल्स HP10 एंड रिको। तो सबसे पहले मुझे इन सभी की प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छी लगी, बट अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो हैवेल्स ज़ेला में मिलता है आपको एक काफी यूनिक और एक प्रीमियम लुक, और इसके रॉड मटेरियल के अंदर तो हैवेल्स ज़ेला HP10 और बजाज में मिलता है आपको एक निकल प्लेटेड मेटल, क्रॉम्पटन और रिको में मिलता है आपको एक बेकर लाइट और स्टेनलेस स्टील मटेरियल, और इन सभी के अंदर आपको मिलता है ये हुक डिजाइन आपकी बकेट या फिर एक रॉड पे प्लेस करने के लिए, बट हैवेल्स ज़ेला के साथ मिलता है आपको ये यूनिक विंग स्टाइल डिजाइन जिससे आप बिना रॉड या बकेट बर्निंग के उसको इजीली बकेट के सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी हीटर्स की वायरेंस भी काफी सिमिलर है 1.3 मीटर से लेके 1.6 मीटर तक, और यहाँ पे आपको बजाज, क्रॉम्पटन, HP10 और रिको के साथ मिलती है 1000 वॉट की पावर, बट हैवेल्स ज़ेला के साथ आपको मिलती है 1500 वॉट की पावर, और यहाँ पे आपको हैवेल्स ज़ेला और HP10 के साथ इंडिकेटर लाइट भी मिलती है। चलो फिर हम इन सभी को इस ठंडे पानी के साथ रियल टाइम टेस्ट करते हैं 5, 10, 15 और 20 मिनट पे। तो 5 मिनट के बाद बजाज HP10 और रिको का टेम्परेचर पहुंच गया यहाँ पे 33 डिग्री सेल्सियस और क्रॉम्पटन 34 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ज्यादा पहुंचा है हैवेल्स ज़ेला जो कि 38 डिग्री सेल्सियस, और अब 10 मिनट के बाद बजाज HP10 पहुंच गया 39 डिग्री सेल्सियस तक और क्रॉम्पटन और रिको पहुंच गया 41 डिग्री सेल्सियस तक, और हैवेल्स ज़ेला अभी भी सबसे आगे 47 डिग्री सेल्सियस पे, और अब 15 मिनट के बाद बजाज, क्रॉम्पटन, HP10 और रिको का टेम्परेचर था अभी भी 50 डिग्री से कम, जहां हैवेल्स ज़ेला पहुंच गया 56 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब देखते हैं फाइनली 20 मिनट के बाद बजाज एंड HP10 तो अभी भी 50 डिग्री से कम है, क्रॉम्पटन एंड रिको पहुंच गए 53 डिग्री सेल्सियस पे, और फाइनली हैवेल्स ज़ेला पहुंच गए 63 डिग्री सेल्सियस पे। तो फाइनली हैवेल्स ज़ेला यहाँ पे है क्लियर विनर, क्योंकि इसने पानी को किया सबसे तेज गरम और 1000 वॉट के अंदर सबसे तेज पानी गरम किया है क्रॉम्पटन हीटर ने ऑलमोस्ट 54 डिग्री के हाईएस्ट टेम्परेचर के साथ। और यहाँ पे हैवेल्स ज़ेला और HP10 के साथ मिलता है आपको एक बहुत ही यूनिक टेम्परेचर कंट्रोल फीचर भी, जिसमें हम उसको सेट कर सकते हैं हाई, मीडियम या लो पे, और डिजायर्ड टेम्परेचर रीच होने के बाद वो ऑटो कट ऑफ भी हो जाता है जो कि आपकी डेली यूज के लिए होगा काफी सेफ। और फाइनली हमने किया ये शॉक टेस्ट भी जिसमें ये सारे हीटर्स काफी सेफ थे, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि पानी गर्म होते टाइम आप उसको हाथ डाल के चेक ना करें। तो इन सभी टेस्ट के बेसिस पे चलिए चेक करते हैं हमारे फाइनल रिजल्ट्स को। तो इन सभी में से मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी हैवेल्स ज़ेला और हैवेल्स HP10 जो हीटिंग भी फास्ट करते हैं और साथ में मिल जाते हैं आपको ये एडवांस फीचर्स भी। सेकंड रिकमेंडेशन होगी यहाँ पे क्रॉम्पटन हीटर की, क्योंकि 1000 वॉट्स के अंदर इसने पानी को गर्म किया सबसे तेज। तो ऐसी और रियल एंड डिटेल टेस्टिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।